Hi guys, welcome to Fusis Junior Wing. We are going to study about what? Number system, जो कि हम लोग पिछले क्लास से करते आ रहे हैं. प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन ऑर्डर टू राइट एनी नंबर इन दैट नंबर सिस्टम. हम लोगों ने इसको वेरियस काइंड्स में कैटेगराइज करा था. क्या क्या था याद कीजिए. द फर्स्ट वन वॉज, बताइए, बाइनरी नंबर सिस्टम. क्या था? बाइनरी नंबर सिस्टम. द सेकेंड वन इज ऑक्टल नंबर सिस्टम. वेरी गुड, ऑक्टल नंबर सिस्टम. थर्ड वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग जो नंबर्स लिखते हैं वो क्या करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करके लिखते हैं. एंड द जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वॉज हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम. वॉट? हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम. ओनली दिस फोर नंबर सिस्टम वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. ओके, टूडे थोड़ा सा उसका क्या करेंगे, रिविजन करेंगे एंड देयर आफ्टर वी विल प्रोसीड फर्दर. ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें क्या था बताइए? द नंबर सिस्टम इन विच ओनली टू डिजिट्स 0 एंड 1 आर यूज, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी नंबर सिस्टम. एंड इट्स बेस इज 2. बेस क्यों 2 हुआ? बिकॉज इट, बोलो, इट हैविंग ओनली 2 डिजिट्स या फिर एनी नंबर इज रिटेन यूजिंग बाइनरी नंबर सिस्टम यूजिंग ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड कौन 1. इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, देखिए ऑक्ट है. व्हाट इज हियर ऑक्ट? ऑक्ट मींस 8. दैट मींस इन दिस नंबर सिस्टम वी यूज फर्स्ट 8 डिजिट्स, दैट मींस फ्रॉम 0 टू 7. एंड इसका बेस कितना हो जाएगा? बिकॉज भैया 8 डिजिट्स का यूज कर रहे हो तो यहाँ इसका बेस कितना आ जाएगा बताओ? 8 हो जाएगा. डेसिमल, डेसिमल में कौन सा वर्ड छुपा है? डेट. डेट मीन्स क्या हो गया? 10. दैट मीन्स वी यूज हियर फ्रॉम 0 टू 9, 10 डिजिट्स, 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9 एंड दैट्स वाई इट्स बेस इज 10. क्लियर है? हेक्साडेसिमल. व्हाट द लास्ट वन इज हेक्साडेसिमल. ऐसा नहीं है कि लास्ट है, और भी हो सकता है, बट हम लोग एज एन इंट्रोडक्शन ओनली इन्हीं चारों को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, और भी हो सकता है. नहीं आ रहा है उसमें? आ रहा है ना सर? चलिए, थैंक यू. हेक्साडेसिमल में क्या हो गया? हेक्स मीन्स होता है 6, डेक मीन्स होता है 10. ऐड कर लिए कितना आ गया? 16. बट क्या हमारे पास 16 डिजिट्स हैं? नहीं है. हमारे पास कितने डिजिट्स है? ओनली 10 डिजिट्स है फ्रॉम 0 टू 9. तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्चुअली वी यूज 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9 टुगेदर विद ए बी सी डी ई एंड एफ इन अपर केस, दैट मीन्स कैपिटल लेटर, वेयर ए रिप्रेजेंट्स 10, बी रिप्रेजेंट्स 11, सी रिप्रेजेंट्स 12, डी रिप्रेजेंट्स 13, ई रिप्रेजेंट्स 14 एंड एफ रिप्रेजेंट्स 15. क्लियर है मेरी बात? है ये हम लोग प्रीवियस क्लास में इतना कर लिए थे. अब इसके बाद बात आती है कि जो नंबर हम लोग लिखते हैं वो नंबर लिखते हैं यूजिंग डेसिमल नंबर सिस्टम. मैंने उस दिन कहा था, भैया देखो, अगर यहाँ कुछ लिख रहे हो ना, तो 101001, इसमें बेस कितना दोगे? 2 दोगे ना. तो ये क्लियरिफाई हो रहा है कि कौन सा नंबर सिस्टम का यूज करके लिखा हुआ है, बाइनरी नंबर सिस्टम. यहाँ पर अगर यूज करते हैं 5 6 0 1 2, यहाँ लिख लिए 8, इसका क्लियर सा मतलब है ये कौन सा नंबर सिस्टम का यूज करके लिखा गया नंबर? ऑक्टल नंबर सिस्टम. लाइक हियर 9 5 7 6, यहाँ लिख लिया 10. इसका जो बेस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली इन विच नंबर सिस्टम द नंबर इज रिटेन, किस नंबर सिस्टम में नंबर को लिखा गया है. नहीं समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आया? बताइए क्या नहीं समझ में आया? ये जो है ना, यहाँ पर ये जो हम बेस दे रहे हैं,
इससे पता चल रहा है कि एक्चुअली कौन सा नंबर सिस्टम यूज किया गया इस नंबर को लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ बेस 2 है, इसका मतलब हो गया कि कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ये समझ में आया? बेस अगर यहाँ 8 लगाया हुआ है, इसका मतलब है ये कौन सा नंबर सिस्टम यूज करके लिखा गया है, ऑक्टल। ठीक है बउआ, नहीं समझ में आया? आ गया। बेस 10 का मतलब हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। उसी तरह से अगर लिखा हुआ है 9A42, ये क्या हो गया, हेक्सा डेसिमल। बेस अगर 16 है, यहाँ अगर 16 लिखा रखा है, तो इसको हम क्या समझेंगे कि द नंबर इज रिटेन यूजिंग हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है मेरी बात? कोई तकलीफ है इसमें? आई डोंट थिंक सो। चलिए अब क्या करना है, अगर नंबर का कोई बेस ही नहीं दे रखा है, लाइक 1054 या फिर 1054, इसका बेस तो नहीं दे रखा है, तो नहीं दे रखा है तो क्या समझना है, जिस नंबर सिस्टम को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही समझना है, विच इज नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या समझना है? डेसिमल नंबर सिस्टम। दैट मीन्स ध्यान दीजिए, इफ नो बेस इज असाइन टू एनी नंबर, इट इज कंसिडर टू बी रिटेन इन डेसिमल नंबर सिस्टम। और कोई बेस नहीं दिया रखा है तो ये समझना है कि उस नंबर को हम लोग किस नंबर सिस्टम का यूज करके लिखे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करके लिखे हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब देखिए तो हमें क्या करना है, हमारे पास तो डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर होते हैं, तो हम क्या सीखेंगे अभी कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करने हैं, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, ये चीज़ सीखना है। फिर अगर कोई नंबर डेसिमल में है जो हम पढ़ते हैं, उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको हेक्सा डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या। मिटा दें इसको, ये तो पढ़े ना हम लोग, हो गया कन्वर्जन समझना है। क्या समझना है? कन्वर्जन समझना कि एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, चलिए क्या पढ़ना हम लोग को, टॉपिक डाल लेंगे कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम, पहला टॉपिक होगा डेसिमल नंबर सिस्टम टू किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बताइए कि इसका बेस कितना होता है, 10, कितना होता है 10, और इसका बेस कितना होता है 2, कितना होता है 2 होता है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नहीं है तकलीफ तो आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल करेंगे, देखेंगे कैसे कन्वर्ट होगा एक डेसिमल नंबर, डैट मीन्स डेसिमल नंबर नहीं कहिए, एक नंबर जो कि लिखा गया है डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करके, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, चलिए कुछ नहीं विशेष करना है कि जनरल सा बात समझिए, जिस नंबर सिस्टम में आपको जाना है डेसिमल नंबर सिस्टम से, नंबर को जिस नंबर सिस्टम में ले जाना है, उसके बेस से मतलब जहाँ जाना है उसके बेस से, जिस नंबर सिस्टम में जाना है, अगर बाइनरी में जा रहा है तो उसका बेस कौन है 2, तो 2 से ऑक्टल में जा रहा है तो उसका बेस कौन है, कितना है 8 है, तो 8 से अगर हेक्सा डेसिमल में जाना है उसका बेस कितना है 16 है, तो 16 से क्या करेंगे, जो गिवन नंबर है ना उसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। जैसे अगर यहाँ दे रखा है हमको 14, कितना दे रखा है 14, एग्जाम्पल लेते हैं, कितना दे रखा है बुआ
14, मतलब 14 को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में। ये किस बेस में है, 10 में, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करा गया है। इसे कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। हमने क्या कहा, इसके बेस से जिसमें जाना है, द नंबर सिस्टम इन विच यू हैव टू कन्वर्ट द गिवन नंबर, उसके बेस से क्या करना है, गिवन नंबर को डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना। लेकिन डिवीजन यहाँ थोड़ा सा अलग होगा। नॉर्मली अगर डिवीजन होता तो क्या करते, 2 से 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना आया, 0, ऐसा करते ना। मतलब क्वोशेंट यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ गया 7, 2 7 जा 14, क्वोशेंट यहाँ लिखेंगे, क्वोशेंट इसमें लिखेंगे, रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर जो बचा वो इधर लिखेंगे। अब यही ध्यान देना है, थोड़ा दिमाग से काम करना है, शांति से काम करना, परेशान नहीं होना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, 2 से अगर 7 जा किए तो 14 आता है ना, रिमाइंडर कितना आएगा, एक तो एग्जैक्टली कट गया। ऐसे भी व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर बाय 2, रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, या तो फिर 0 नहीं तो 1, यही ना आ सकता है, 2 थोड़े ना आएगा रिमाइंडर में जी, आएगा क्या, नहीं आएगा, ओनली 0 एंड 1 विल कम एज बिकम एज रिमाइंडर। ठीक है, 0 और 1 ही रिमाइंडर आएगा। तो इवन होगा, इवन से डिवाइड करें रिमाइंडर 0, और होगा ऐसे, अब अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 7 है ना, इसको डिवाइड करना है 7 को, अब 14 को नहीं करना है, जो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए ना फिर उसको डिवाइड करना है। 2 3 जा कितना होता है, 2 3 जा 6, ये कितना था 7, कितना बच जाएगा, कहाँ लिखेंगे, इधर आउटसाइड, फिर 2 से लगाएंगे, अभी लगेगा ना डिवीजन होगा, फिर 2 से कितना टाइम, 1 टाइम, 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या बचा, 1, क्या बचा, 1। अभी डिवाइड होगा, अब नहीं होगा, लेकिन एक बार और करना है, क्योंकि हमको पता है कि 2 × 0 कितना होता है, 0 होता है। जब तक इसमें क्वोशेंट में 0 नहीं आ जाए तब तक क्या करना है, कंटिन्यूसली यू हैव टू डिवाइड, लगातार करते जाना डिवाइड। ठीक है, और किससे करना है, तो रिजल्टिंग जिस नंबर सिस्टम में जाना है उसके बेस से। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितना लगा, 0 टाइम, तो 2 0 जा 0, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, रिमाइंडर कितना आया, 1 से 0 को सब्ट्रैक्ट किए, रिमाइंडर कितना आया, कितना आ गया, 1। इसमें कोई तकलीफ है, पक्का। अब क्या करना है, नीचे से ऊपर, बॉटम टू टॉप, 1 बाय 1 सारे डिजिट्स को यहाँ लिख लेना है, लेफ्ट टू राइट, हो गया 1 1 1 0। पढ़ेंगे कैसे, 1 1 1 0, ऐसा नहीं पढ़ लीजिएगा कि 1110, ऐसे नहीं पढ़ना, वो केवल इसी में पढ़ना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, बाकी सारे नंबर सिस्टम में डिजिट वाइज आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिजिट वाइज पढ़ना है नंबर को। ठीक है, समझ में आया, नोट कीजिए, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, और अगर समझ में आ गया तो नोट करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं, 18 को कन्वर्ट कीजिए, सॉरी ये फर्स्ट एग्जांपल था, सेकंड करेंगे 18 जो कि हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में है उसको कन्वर्ट कीजिएगा आप बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, चलिए कीजिए, नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
चलिए गाइज, नोट हो गया, नोट हो गया तो आपको क्या करना है, अब सेकेंड वाले को सॉल्व करना है। कीजिए, बढ़िया से करना है, समझ कर करना है, हो जाएगा। और ऐसी ही नई चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए क्या करना होगा, आपको ज्वाइन करना होगा फ्यूसिस जूनियर विंग, जो कि कहाँ है, एट लेनिन चौक अपोजिट प्रशांत होंडा। ठीक है, आराम से, परेशान नहीं होना, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सीखना है, चीज़ों को सीख करके जाना है। कीजिए, सही है, कीजिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप, घबराना नहीं है, एकदम सही कर रहे हैं आप, तो एकदम सही कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नहीं नहीं, थोड़ी सी गलती कर दी आप लास्ट मोमेंट में। अब देखिए क्या करना था, साथ में तो रिमाइंडर भी लिखना था ना, 2 9 18 कट गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0, 2 4 8 रिमाइंडर कितना बचा है, 1, 2 2 4 रिमाइंडर कितना बचा, 0, अब कितना जा लगेगा, 1 जाना, 2 1 2 रिमाइंडर कितना बचा, 0, फिर क्या करेंगे, डिवाइड, कब तक डिवाइड करना हमें, कब तक डिवाइड करना, जब तक क्वेश्चन में कितना नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए, तो 2 0 टाइम 0, तो बचा कितना रिमाइंडर, 1, कैसे लिखना है, बॉटम टू टॉप क्या जाएगा, 1 0 0 1 0 हो गया। अब देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कैसे करते हैं इसको, तो क्या करना है, जस्ट इस प्रोसेस को फॉलो करना है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करें, देखिए फिर से समझिए, ये क्या हो गया, 3, हमने कहा जिस नंबर को कन्वर्ट करना है दूसरे में, डेसिमल नंबर से बाइनरी में, तो बाइनरी का बेस कितना है, 2 है ना, जिसमें जा रहे हैं उसका बेस कितना है, 2 है ना, तो 2 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और कोशेंट यहाँ, रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर को लिखना है यहाँ सामने में, ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड किए तो कितना जाए, कैंसिल हो जाएगा, 9 जाए, 2 9 जाए कितना होता है, 18 होता है ना, 2 9 जाए 18, तो रिमाइंडर कितना आया, 0, कट गया ना पूरा, 2 से अब फिर से डिवाइड करना है, 2 1 जाए 2, 2 2 जाए 4, 2 3 जाए 6, 2 4 जाए 8, 2 5 जाए 10, तो 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 9 से, तो 2 4 जाए 8, 8 9 से कितना छोटा है, 1, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1, क्लियर है ना। अगेन हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इस नंबर को कितना से, 2 से, फिर 2 के टेबल में 2 टाइम्स क्या आता है, 4, तो कम्प्लीटली कैंसिल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कितना टाइम लगेगा, 1 जा 2, 1 जा 2, रिमाइंडर 0, अच्छा फिर 2 से लगाएंगे, 2 0 जा 0, रिमाइंडर क्या बच गया, 1, अच्छा अगर कभी लगेगा नहीं क्यों ये करें, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं ऐसे, 1 0 0 1 0, ठीक है, अगर 1 भी आ गया तब भी काम चलेगा, वहाँ तक भी पहुँच कर सकते हैं आप, ठीक है, फिर यहाँ जो आया है वहाँ को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा आपको, और 0 जा लगाइएगा तो ये 1 बाहर आ गया, सिंपल सा बात है, ठीक है, क्या लिखे, बॉटम टू टॉप, 1 0 0 1 0, 1 0 0 1 0, समझ में आया कि नहीं आया बउआ, अब आ गया, अब कर लीजिएगा पक्का। चलिए नेक्स्ट नंबर है 23, थर्ड एग्जांपल जो आपको दे रहे हैं, दैट इज 23, इसको वाइप कर दो,
इसको वाइप कर लूँ, कर लूँ, कर लिया भैया। क्या है एग्जांपल अपने पास? एग्जांपल नंबर जो थर्ड है वो है अपने पास 23। कितना 23 को कन्वर्ट करना है किसमें? बेस 2 में। ठीक है, चलिए कीजिए, आप ही को करना, हमें नहीं, आपके को करना है, चलिए कीजिए, जल्दी से कीजिए। परेशान नहीं होना, आराम से करना है, ठीक है, कोई जल्दी नहीं, सीखना इम्पोर्टेंट है, सीख लेंगे चीज़ें फिर हम उसको क्या कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे। ओके, पहले सीखना इम्पोर्टेंट है, कीजिए गाइस। टू 11 जा 22, वन बचा, सही है। 25 जा 10, वन बचा। 22 जा 4, वन बचा। 21 जा 20, 21 जा, वेरी गुड। क्या हो जाएगा 23 टू द बेस 10, इट विल गेट कन्वर्ट इन टू 10111 10, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए भैया, इन लोगों ने तो कर लिया, अगर आपको भी करना है तो करके देखिए होता है कैसे, क्या करना है, प्रोसेस तो सेम ही यूज करना है। 23 को क्या करना है भैया, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है भैया, डिवाइड करना है, किससे करना है, बेस जिसमें जा रहा है, क्या है उसका बेस 2 है, 2 से तो 21 जा 2 कैंसिल, बचा क्या 3, फिर 21 जा 2 बचा क्या 1, रिमाइंडर कितना आ गया 1, 2 से कितना टाइम्स, 25 जा 10, रिमाइंडर कितना आया 1, अगेन बाय 2, 22 जा 4, रिमाइंडर कितना आया 1, 21 जा रिमाइंडर कितना आया 0, 20 जा रिमाइंडर कितना आया 1, नहीं आया समझ में, बताइए तो आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, कोई तकलीफ है इसमें नहीं, क्या लिखेंगे 10111, ठीक है 10111, ये हो गया कन्वर्ट किससे, डेसिमल टू बाइनरी। कोई दिक्कत है, समस्या है, नहीं है, तो ऐसे क्या करना है, 5 to 6 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, 5 to 6 क्वेश्चंस ऑफ सिमिलर काइंड, डेसिमल टू बाइनरी, खुद से नंबर ले लेना है 25 18 17 37, थ्रू ऑल बड़ा नंबर 124, ऐसे करके खुद से नंबर्स ले लेना है और उसको कन्वर्ट कर लेना है किस में, बाइनरी में। ठीक है, दूसरा स्टार्ट करें, थैंक यू। चलिए दूसरा क्या होगा अपना, दूसरा टॉपिक हो जाएगा, इसको वाइप कर ले भैया, कर ले, मिटा ले, समझ में आया ना आपको, चलिए धन्यवाद। किसमें आप कन्वर्ट करना है, डेसिमल टू ऑक्टल, वेरी गुड, किसमें बउआ, ऑक्टल नंबर
सिस्टम, क्या ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो बेस 10 टू बेस कितना बताइए, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस कितना है, 8 है। कितना भैया, 8 है। और क्यों है, क्यों है, हाँ क्योंकि उसमें कितने डिजिट्स का यूज किया जा रहा है, 8 डिजिट्स का, कहाँ से कहाँ, 0 to 7, 0 to 7, ठीक है। तो नंबर अगर हमने कुछ लिखा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट करेंगे 2, 5, 4, 2, 5, 4, जो किस में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अभी हम लोग कर रहे थे डेसिमल टू बाइनरी, अब करेंगे डेसिमल टू ऑक्टल। तो डेसिमल टू बाइनरी, तो बाइनरी का बेस कितना था, 2, उसी से ना डिवाइड किए थे, उसी तरह से अब किस में जाना है, ऑक्टल में, जिसका बेस कितना है, 8। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिवाइड गिवन नंबर बाय द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम विच इज 8। कितना है, 8 है। क्लियर है मेरी बातें, 2, 5, 4 कितना से डिवाइड करेंगे, 8 से। कितना से बुआ, 8 से। अच्छा 8 का टेबल पढ़िए, पहला तो नहीं लगेगा, 2, 5, 25, 8, 1 जा 8, 8, 2 जा 16, 8, 3 जा 24, 8, 3 जा 24, सब ट्रैक कितना कितना बचा, 1, 1, 4 कितना हुआ, 14, 1, 4, 14, तो आपको 2 जा भी नहीं लगेगा, कितना जलाएगा, 1 जा 8, 1 जा 8, तो 14 से 8 सब ट्रैक करते तो कितना बचता है, 6 बचता है, रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। कोई तकलीफ है बताइए, नहीं आया समझ में, नहीं आए, थोड़ा सा बड़ा डिवीजन है ना, कर लेंगे हो जाएगा, हमको ही पता, देखिए नहीं होगा थोड़ा सा हम अलग कर लेंगे, क्या करेंगे, अलग कर लेंगे, 8 से डिवाइड किए तो 8, 3 जा 24, रिमाइंडर कितना आ गया, 1, फिर लाए 4, 8, 1 जा 8, सब ट्रैक किया, रिमाइंडर कितना आ गया, 31 यहाँ, 6 यहाँ, समझ में आ गया। अब फिर 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 8, 1 जा 8, 8, 2 जा 16, 8, 3 जा 24 एंड 8, 4 जा 32, बढ़ गया ना, ग्रेटर हो गया। तो हम क्या लेंगे, 8, 3 जा 24 और 31 से 24 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचेगा, 7। 31 से 24 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 1 से 4 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैरी लिए 11, 11 से 4 सब्ट्रैक्ट 7, ये हो गया 2, से 2 कैंसिल होगी, ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया, 7। ये 0 है, नहीं है, यहाँ भी 0 तक जाना है ना, 8 से डिवाइड करेंगे, 0 जलाएगा, ये 3 कहाँ चलाएगा, ठीक है। तो फिर से नंबर कैसे लिखना है, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, बोलना है, ठीक है, सीखना है। तो नंबर क्या हो जाएगा, 3, 7, 6, कन्वर्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अरे हो गया। तो चलिए इसको नोट करेंगे और आपको हम एक क्वेश्चन देंगे, अगर ये समझ में आया तो आप बनाएंगे। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा आपका 3, 4, 6, 3, 4, 6, जो कि डेसिमल में है, कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल, ओके 3, 4, 6। चलिए इसको नोट डाउन करेंगे और ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का, क्लियर है गाइस। चलिए
नोट हो गया गाइस, नोट हो गया तो अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 3, 4, 6 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, आपको कन्वर्ट करना है उसको किसमें, ऑक्टल नंबर सिस्टम, दैट मीन्स फ्रॉम बेस 10 टू बेस 8। ठीक है, कीजिए। हमें पता है कि थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि थोड़ा सा ये क्योंकि डिवीजन करना तो है लेकिन कोशेंट यहाँ लिखना है तो आपको सब्ट्रैक्ट वगैरह करने में तकलीफ होगी, तो आराम से कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। ध्यान से कोसेंट को कहाँ लिखना है, नंबर वाले इसमें, इसी में कोसेंट लिखना है, रिमाइंडर यहाँ लिखना है, ध्यान से कोसेंट यहाँ, रिमाइंडर यहाँ, कोसेंट कहाँ लिखना है, हाँ रिमाइंडर कहाँ लिखना है, आउटसाइड। रिमाइंडर चेक कीजिए, आप अपना रिमाइंडर चेक कीजिए, हमने बोला रिमाइंडर चेक कीजिए, अब अपना ठीक बना लीजिए, चेक कीजिए। हो गया, चलिए हम चेक करते हैं, आपका शायद गलत लग रहा है। ठीक है गाइस, आप लोग का थोड़ा गलत लग रहा है, देखिए चेक कीजिए क्या है नंबर अपने पास, 3, 4, 6। ठीक है, किस नंबर सिस्टम में है अभी ये, किस नंबर सिस्टम में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, खोल कर बोलिए किस नंबर सिस्टम में है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है। कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, जिसका बेस कितना है 8, तो 8 से ही, हाँ 8 से ही करेंगे क्या, इसको डिवाइड, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, नंबर क्या हुआ 34, क्या हुआ 34, 8 का टेबल पढ़िए, 8 1 जा, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 जा, 34 से अगर 32 सबट्रैक्ट कीजिए तो क्या बचा, 33 34, तो 2 बचा, कितना बचा 2, एंड 2 और 6 कितना हुआ 26, ऐड थोड़े ना करना है कि 2 और 6 8 हो जाएगा, भाई नॉर्मल डिवीजन करोगे 8 3 जा, सॉरी 8 4 जा, 32, रिमाइंडर कितना आया 2, तो ये 6 यहाँ आएगा ना 26 ना, तो 8 3 जा 24, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, तो 8 से फाइनली कितना टाइम्स लगा 43 टाइम्स, रिमाइंडर कितना आ गया 2, क्लियर है। फिर 8 से डिवाइड करेंगे किसको, इस 43 को करेंगे, तो 43 को 8 से डिवाइड कीजिए तो कैसे कीजिएगा, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 3, रिमाइंडर क्या आएगा अपना 3 आएगा, तो 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना आया 3। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, ये 5 है, 8 से लेस तो है लेकिन हमें कोशेंट वाले ग्रुप में क्या लाना है, 0 लाना है, क्या लाना है 0 लाना है, तो 8 0 जो लगाएंगे रिमाइंडर यहाँ कितना आ गया 5, बॉटम टू टॉप इसको अरेंज करके लिख लेंगे क्या आ जाएगा 5 3 2 5 3 2। ठीक है, हाँ थोड़ा सा गलती हो गया लेकिन आपने अच्छा किया। ठीक है, एक थोड़ा सा बड़ा नंबर देते, थोड़ा सा बड़ा डिवीजन परेशान करेगा आपको, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ा नहीं दे रहे हैं। ठीक है, 7 4 9, व्हाट 7 4 9 डेसिमल में है, इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है ऑक्टल में, एग्जांपल नंबर 3। चलिए ट्राई कीजिए, इसको मिटा दूँ दोनों को, बबुआ मिटा दूँ, चलिए वेरी गुड, अरे आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं।
चलिए गाइस कीजिए, सॉल्व कीजिए, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक्चुअल में क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 749 को किससे 8 से। ठीक है, चलिए कीजिए। तो ज़रा सा वेट गाइस, वेट। एक्चुअली ओके गाइस, डू थोड़ा सा, मैं समझ रहा हूँ ये टाइम टेकिंग होगा, कोई बात नहीं, आराम से कीजिए, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, चलिए गाइस। तो आई थिंक आपका हो गया होगा सॉल्व, तो कर लेते हैं हम भी ज़रा सा, देखो ज़रा मैं कर पाता हूँ या फिर नहीं, चेक करते हैं क्या करना है। इसको डिवाइड करना है, यहाँ दिख रहा 7, यहाँ है 474, 7 तो डिवीज़न होगा नहीं, तो दो डिजिट ले लिए 74। अब क्या करेंगे भैया, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 टाइम, तो 8 9 टाइम्स कितना होता है 72, कितना होता है भैया 72, तो रिमाइंडर कितना बचा 2 के साथ 9 को इंक्लूड किया, अब नंबर क्या फॉर्म हो गया 29, तो 8 3 24, रिमाइंडर क्या बचा 5, बचा कि नहीं बचा। फिर क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 8, रिमाइंडर क्या बचा 1 1 3 13, फिर 8 8 1 8, रिमाइंडर क्या बचा अपने पास 5, अगेन बाई 8 8 1 8, रिमाइंडर क्या बचा 3, अगेन बाई 8 8 0 0, रिमाइंडर क्या बचा अपने पास बोलिए 1, तो नंबर क्या हो जाएगा अपना 1 3 5 5 1 3 5 5। ठीक है भाई, अब हमारा एक बज जा रहा है कौन, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अभी क्या करना है आप लोग को, इस पे बेस्ट अगेन 5 to 6 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, एंड देयर आफ्टर हम लोग क्या करेंगे थर्ड वन, जो कि क्या होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर है मेरी बातें? जी हाँ, तो उसको आप खुद से भी कर सकते हैं। उसमें क्या करना होगा बताओ, 16 से डिवाइड करना होगा, कितना से डिवाइड करना होगा 16 से। वैसे हम लोग इसको करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक इन दोनों पे एज मच एज क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कीजिए। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।